आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि सही कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ए है कि आयाम मॉड्यूलन में उच्च आवृत्ति वाहक तरंग के आयाम में किया गया परिवर्तन ऑडियो सिग्नल के आयाम के अनुक्रमानुपाती है। ऑप्शन बी कहता है कि आयाम मॉड्यूलन में उच्च आवृत्ति वाहक तरंग की आवृत्ति में किया गया परिवर्तन ऑडियो सिग्नल के आयाम के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, सी कहता है कि आवृत्ति मॉड्यूलन में उच्च आवृत्ति वाहक तरंग के आयाम में किया गया परिवर्तन ऑडियो सिग्नल के आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ऑप्शन डी कहता है कि आवृत्ति मॉड्यूलन में उच्च आवृत्ति वाहक तरंग की आवृत्ति में किया गया परिवर्तन ऑडियो सिग्नल की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने ऑप्शंस के बारे में। तो देखिए, यहां पर कहा गया है आयाम मॉडलिंग, मॉडलिंग तरंग की चौड़ाई, आयाम मॉडलिंग तरंग की चौड़ाई, तरंग की जो बैंड होती है उसकी चौड़ाई जो होती है वह मॉडलिंग सिग्नल की आवृत्ति की दोगुनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि आयाम मॉडलिंग तरंग की बैंड चौड़ाई मॉडुलन सिग्नल की आवृत्ति की दोगुनी होती है। मॉडुलन सिग्नल की आवृत्ति की दोगुनी होती है। ठीक है, आवृत्ति की दोगुनी होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो हमारा आयाम मॉड्यूलन होता है उसकी उच्च आवृत्ति वाहक तरंग में परिवर्तन श्राव सिग्नल के आयाम के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयाम मॉड्यूलन की उच्च आवृत्ति वाहक तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन श्रव सिग्नल के आयाम के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती यहाँ पर कहा गया है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अपने ऑप्शंस को अब हम देखते हैं। ठीक, यहाँ पर कहा गया है कि आयाम मॉडलन जो है वो उच्च आवृत्ति वाहक तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन से श्रव सिग्नल के आयाम के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, अपने ऑप्शंस को देखते हैं। तो देखिए, पहले ऑप्शन में जो कहा गया था उसमें कहा गया है कि परिवर्तन ऑडियो सिग्नल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आयाम में परिवर्तन के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, तो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा ये पहला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर आयाम में परिवर्तन के बारे में बात करी गई है। दूसरे में कह रहा है आयाम मॉडलिंग में उच्च आवृत्ति वाहक तरंग की आवृत्ति में किया गया परिवर्तन ऑडियो सिग्नल के आयाम के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह सही है कि अगर आवृत्ति में परिवर्तन करोगे तो वह आयाम के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी में कहा गया है यहाँ पर फिर आयाम की बात करी गई है, तो यह गलत है। ऑप्शन डी में कहा गया है यहाँ पर आवृत्ति में किया गया परिवर्तन आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यह भी गलत है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है? हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ऑप्शन है हमारा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।